जी दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई है, इसका आरपीएम थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये देखें, ये जो है ना, आपको मैं दिखा सकूं, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये थोड़ी सी ना, ये बंद सही तरीके से नहीं होता। अगर बंद हो भी जाता है तो भी ये जो है ना घिस गई है, ये थ्रोटल घिस गई है। इस तरीके से ये हो के ना, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से ये चल चल कर ये थोड़ी घिस जाती है, जिस वजह से ये देखें, जैसे हम रोशनी में जाएंगे तो हल्की हल्की आपको ना रोशनी नज़र आएगी। वो देखें, रोशनी नज़र आ रही, नीचे से देखें, नीचे से, ये नीचे से देखें, आपको ये हल्की सी रोशनी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर वाली साइड पर आपने देखना, इसके अंदर वाली साइड पर रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए, वो साइड नज़र नहीं आनी चाहिए, हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही, जिस वजह से क्या होता है, आरपीएम जो है ना थोड़ा सा बड़ा रहता है गाड़ी का, ठीक है। तो ये हम जो कि इसमें यह मसला था, अगर आपको ज़्यादा ये मसला आ रहा है, आरपीएम ज़्यादा बढ़ता है, तो आपने क्या करना है, इस वजह से हरादिए से हर्द करवा लेनी है, हरादिए से आपने इसकी सेटिंग करवा लेनी है, ये बंद भी हो सकता है, ठीक है, थ्रोटल थोड़ा सा ना सेटिंग हो सकती है इसकी। यकीन आओ, मेरी बात की समझ आ गई होगी, पहले मॉडलों में कार्बोरेटर आता था, अभी न्यू मॉडलों में ये थ्रोटल आ रहा है। इसमें मिसिंग भी बहुत ज़्यादा थी, ये देखें, ये गंदी भी है, हम इसे सफाई करेंगे, ठीक है। अगर आरपीएम आपका बड़ा हुआ है तो ये मसला होता है गाड़ियों में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।